Hello everyone, good morning and welcome back to the new episode. I hope you all are doing good. So, सुबह सुबह रेडी हो गई हूँ क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं. हम जा रहे हैं रोडू. क्यों जा रहे हैं वो मैं वहीं पर बताऊंगी आपको जब हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे. तो सुबह उठते ही फटाफट से रेडी हो गई थी. अब मैं प्लांट्स को पानी दे देती हूँ क्योंकि पहले मैं रेडी हो गई थी, सोचा फिर प्लांट्स को पानी देती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करूँगी. तो पहले पानी दे देती हूँ और देखती हूँ आज मम्मा ने क्या बनाया है, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करती हूँ. ना पिंपल हो गया है यहाँ पर, ये देखो रेड, शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा बट यहाँ हो गया है, इधर इधर पता नहीं कैसे हो गया. कल तक तो नहीं था, रात में ही ऐसा क्या हो गया जो पिंपल निकल गया. तो मैं काम कर लेती हूँ जो छोटे मोटे काम है फटाफट से, और वाटर बॉटल भी करनी क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है रास्ते में, उसको भी करती हूँ. देखती हूँ कहाँ है, मुझे कल से मिली नहीं रही है मेरी बॉटल, पता नहीं कहाँ रख दी है. मम्मा से पूछती हूँ कहाँ रखी है. छोटे मोटे सब काम कर लिए और किसी ने मुझसे कहा जब सो के उठती हो ना तो पहले गर्म पानी पिया करो, फिर उसके बाद बादाम खाया करो, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करा करो. मैं फॉलो करती हूँ बट कभी कभी नहीं करती, ऑनेस्टली बता रही हूँ. तो अभी आज भी जैसे मैं उठी तो फिर जल्दी थी ना, तो मैं फटाफट से रेडी हुई. अभी जाकर मैंने सब किया, बादाम खाए, पानी पिया, और ब्रेकफास्ट मैं सोचू पैक कर रही हूँ, वो मैं गाड़ी में ही खाऊंगी. और मेरा ना चश्मा नहीं मिल रहा है यार, पता नहीं कहाँ है. मुझे इतना अच्छा लगता था, आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में, मैं लगाया करती थी और मुझे मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गुम हो गया. वैसे दूसरा भी है पर उसको लगाने का बिल्कुल मन नहीं है, वो वाला पता नहीं कहाँ चला गया है, कहाँ गुम हो गया, मुझे बिल्कुल याद नहीं. और मुझे इतना याद है कि जब मैंने लास्ट टाइम पहना था तो मैं गई थी शिमला अपनी फ्रेंड से मिलने, उसके बाद मैंने कहाँ रखा इतना याद है कि पर्स में ही था. फिर मैंने सब जगह चेक भी करा, मुझे नहीं मिला. अभी फिर से मैं जब वापस आऊँगी ना फिर मैं चेक करूँगी. अभी फिलहाल दूसरा है, उसको लगाने का मन नहीं है मेरा. सोचूँ ये वाला चश्मा लगाऊँगी और आप बताओगी कैसा लग रहा है ये वाला है. देखो मैं लगाती हूँ, गंदा ही लग रहा होगा. अच्छा हमको सिखा रिया है, ये देखो. कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है, गंदा लग रहा है, जैसा भी लग रहा है बता दो. वाओ ब्यूटीफुल. क्या हुआ? बोरा क्या वापस क्यों ला रही है? बोरा गीला हो जाएगा ना. किसका बोरा है ये? वापस जाना ही बोरा गीला हो जाएगा, फूटेगा. तो गाइस हम आ गए हैं शॉप और अब हम निकलने वाले हैं थोड़ी देर में. और मैं आपको आज का थोड़ा अपना आउटफिट दिखा देती हूँ. आज मैं पूरी ब्लैक बनी हूँ. सूट तो मैं भूल ही गई थी, शिट. मैंने अपना अभी तो देना है, ले आओ ले आती हूँ मैं, है ना. मैं भूल गई थी, अभी मम्मा ने याद दिलाया. सो गाइस ये तीन सूट सिलवाने को देने के, दो मम्मा के, इसमें मेरा सूट है. तो सोचा अब जा रही है तो सूट भी दे देते हैं सिलवाने के लिए, और वहाँ पर भी है सूट, वो भी लाने हैं तो मैं वो भी लेकर आऊँगी. तो अब निकलते, भाई भी आ गया है बाहर देख रहा है, तो अब निकलते हैं यहाँ से. की मार्केट पहुंच गए हैं और अभी हम ढूंढ रहे हैं जहां पर हमें जाना है, हमें खुद भी नहीं पता है. और दीदी के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे, दीदी ने पहले ध्यान नहीं दिया. तो गाइस हम पहुंच गए हैं वीयू सैलून, इसको ही हम ढूंढ रहे थे कब से. और दीदी यहां है, और ये देखो यहां पर टेम्पल इसके साथ में ही है, बस हमें इतना ही पता था कि टेम्पल है यहां पर. तो अब चलते हैं. सो गाइस हम पहुंच गए हैं वीयू सैलून. वैसे हम इसलिए आए क्योंकि मैं दीदी को हेयर कलर करवाना है, इसलिए हम आए स्पेशली. इसके बाद देखते कहाँ जाएंगे, बट अभी के लिए तो हमें हेयर कलर करवाना है, मुझे ही दीदी को. 4-5 साल से ना यही कलर करवा रही है, मुझे सिर्फ बोर हो गई, कुछ डिफरेंट सा करवाना है. तो पता नहीं है कौन सा करवाना है. डार्क नहीं करवाना. सो यहाँ पर इतने सारे हेयर कलर देखकर तो दीदी कंफ्यूज हो गई थी कि अभी कौन सा करवाए, क्योंकि लास्ट टाइम दीदी ने गोल्डन करवाया था तो वो तो नहीं करवाना था, सोचा था कि कुछ अलग करवाएंगे.
तो यहाँ पर डिसाइड नहीं हो पा रहा था, फिर बाद में हमने सोच लिया था। वैसे दीदी ने पहले से सोच रखा था कि एश ब्लॉन्ड करवाएंगे, तो फिर हमने वही करवाया। तो गाइस अभी पता नहीं कितना टाइम और लगेगा, यहाँ पर भूख लगी है और हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं। ये देखो दीदी की शक्ल इधर अभी दीदी बड़ी नहीं दी है तो हम पिज़्ज़ा खा लेते हैं। गाइस अब दीदी को ना सर दर्द होने लग गया है, अब तो हाफ एन आवर रहा है। हाँ तो भाई भी बार बार कॉल कर रहा है, कहाँ यहाँ पे सुबह से बैठ करना है। यहाँ पर थक चुकी हूँ, बैठ पर कितना बोर हो गई हूँ। और दीदी का काम अभी भी नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम और लगेगा। और दीदी का फाइनल लुक इधर देखो, वाह बहुत सुंदर लग रहा है। बोलो बोलो पहुँचते रात हो गई और मैं तो इतना ज्यादा थक गई हूँ ना। अभी जाके डिनर करूंगी और फिर सो जाऊंगी। अब आपसे मॉर्निंग में मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो मैं आ गई हूँ शॉप और अभी ना मुझे एक ज़रूरी काम भी है वो मुझे करना है। और अभी ना मैं आपको दीदी के हेयर दिखा दी। वैसे तो आपने देख ही होंगे कि आज कैसे लग रहे हैं। आज देखते कल तो लाइटिंग वाइटिंग में बहुत सुंदर लग रहे थे। और दीदी यहाँ पर रील बना रही इधर मुन्ना मम्मा सुनो, आपको कैसा लगा दीदी का कलर? दीदी का कलर कैसा लगा आपको? इससे पूछो भाई जिसने किया। नहीं, आपको देखने में कैसा लग रहा है? अरे तो कभी स्ट्रेट नहीं किए बाल। नहीं, ऐसे कैसे लग रहे हैं आपको देखने में? मैं ये पूछ रही हूँ। देखने में तो भाई अच्छे लगते हैं। अच्छे लग रहे हैं, करो चाहे ना करो, मेरे लिए तो अच्छे ही है। अच्छे हाँ। दीदी को अब लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है कलर, बट ऐसा कुछ नहीं है, कलर अच्छा है पर लाइटिंग में ज्यादा ग्रेस, मतलब लाइटिंग में ज्यादा अच्छे लग रहे। देखो अभी भी अच्छे लग रहे, इधर दिखाना, इधर मुड़ो, अच्छे लग रहे हैं। दीदी बोलती कि मैं अच्छी नहीं लग रही, मैं बुढ़िया लग रही हूँ क्या? मैं कह नहीं, किसने बोला बुढ़िया लग रही है? बोल रही बुढ़िया तो बुढ़िया नहीं बोला मैंने, दीदी ने खुद बोला। बोला था जब वहाँ चेयर पे बैठे थे ना, फिर बोला दीदी ने कि मैं बुढ़िया लग रही हूँ क्या? मैं कहा नहीं, ये बुढ़िया जहर है, नहीं दिमाग का जहर है ये जहर है। ये पिंपल बहुत गंदा लग रहा है, ये देखो रेड हो गया है बिल्कुल, पता नहीं कहाँ से हो गया ये पिंपल गंदा सा, ये देखिए। तो गाइस अभी मुझे एक बहुत ज़रूरी काम करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, तो मैं वो कर लेती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। सो मेरा काम हो गया है, अभी मैं वही कर रही थी और अब मुझे भूख लग रही है और 1:30 हो रहे हैं, तो मैं सोचूँ कुछ बनाती हूँ अच्छा सा और खाती हूँ। और इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड कर रही हूँ। अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पर मिलेंगे। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना जो चैनल पर न्यू है। मिलेंगे आपसे, बाय बाय एंड टेक केयर।